by MS Ali. स्टूडेंट्स, मैं एमएस अली एंड यू आर वॉचिंग ब्रेक लर्निंग क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज हम बात करने वाले हैं फिर से 10 ऐसे शब्दों की जो कि अक्सर लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे करके मैंने आपको चार पार्ट्स दे रखे हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये है आपका पार्ट 5। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे 10 ऐसे शब्द जो कि अक्सर मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन का कितना बड़ा महत्व है हमारे स्पीकिंग में। कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोलते हों, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी नहीं आती है तो फिर आप उस भाषा को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाओगे, आप प्रभावशाली तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से आप उसे नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी भाषा को आप बोल रहे हो, आप हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, लेकिन आप फ्रेंकली बोलो, आप करेक्टली बोलो, ताकि लोगों के बीच आप अपना इम्प्रेशन जमा सको और अपनी एक अलग पहचान बना सको। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे शब्दों की जो कि अक्सर मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है breakfast। क्या बोलते हो आप? ब्रेकफास्ट, है ना? 99% लोग ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं। मैंने भी कई सालों तक इसे ब्रेकफास्ट ही बोला था, लेकिन नहीं, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, यह है ब्रेकफास्ट, यह है ब्रेकफास्ट। यानी फास्ट को आप फर्स्ट कहोगे, जैसे कि FIRST, फर्स्ट यानी पहला, वही वाला फर्स्ट आपको प्रोनाउंस करना होगा, ब्रेकफास्ट। ओके, आगे से याद रखना, अगर इन दो शब्दों को अलग से अगर तोड़ोगे आप, BREA के ब्रेक और फिर FAST फास्ट, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें अगर हैं, अगर ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है, तो आप इसे ब्रेक अलग से पढ़ रहे हो, फास्ट अलग से पढ़ रहे हो, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो इन्हें ब्रेकफास्ट बोला जाता है, जिसे सुबह का नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट। तो याद रहेगा ना, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है TUITION। क्या बोलते हो? ट्यूशन, है ना? ट्यूशन बोलते हो ना, और कुछ लोग तो ट्यूशन बोल दिया करते हैं। ट्यूशन तो करेक्टली मतलब कम्प्लीटली गलत है वो, और ट्यूशन जो कहते हो, जो लोग ट्यूशन कहते हो, वो भी समझो कि गलत ही बोल रहे हो, वो है ट्यूशन। ट्यूशन याद रहे, ट्यूशन नहीं, ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन करने जाते हो आप, ट्यूशन करने नहीं जाते। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है APRIL, महीने का एक नाम है, चौथा महीना, APRIL। क्या बोलते हो आप? अप्रैल। बिल्कुल गलत बोलते हो, आपको अप्रैल नहीं कहना है, आपको कहना है अप्रैल, अप्रैल, APRIL, वो है अप्रैल, जिसे हिंदी में आप कहोगे अप्रैल, लेकिन बहुत लोग उसको क्या बोल देते हैं? अप्रैल। अप्रैल नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है भाई मेरे, अप्रैल नाम का कोई वर्ड नहीं है, वो अंग्रेज़ी में कहोगे तो अप्रैल, और अगर हिंदी में उसको थोड़ा बहुत हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, जबकि वो भी इंग्लिश का ही है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हिंदी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो हो जाता है अप्रैल, वो हो जाता है अप्रैल। तो आगे से याद रहे, अप्रैल कोई भी वर्ड नहीं होता है, या तो अप्रैल होता है या अप्रैल होता है, लेकिन करेक्ट टू करेक्ट इंग्लिश में प्रोनाउंस करना चाहते हो तो अप्रैल है, और अगर आप थोड़ा उसको हिंदी करना चाहते हो तो अप्रैल है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि है INTEREST, क्या बोलते हो? इंटरेस्ट। चलो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इसी से बना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, यानी ए की मात्रा को आप अ की मात्रा दोगे, आप ए की मात्रा नहीं दोगे, अ की मात्रा आपको देना होगा। तो आगे से याद रहे, मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है MEMORY, क्या बोलते हो? मेमोरी, मीमोरी, दोनों ही गलत बोलते हो आप, अगर मेमोरी बोलते हो तो भी गलत बोलते हो, और मीमोरी बोलते हो तो भी गलत बोलते हो, यानी मेमोरी और मीमोरी दोनों गलत वर्ड्स हैं। इसका सही प्रोनंसिएशन है मेमोरी, इसमें ओ को अंडरस्टूड कर लिया जाता है, इसमें ओ का साउंड नहीं आता, इसे हम कहते हैं मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा CARER, CARER, क्या बोलते हो? 99% लोग तो इसे कैरियर ही बोलते हैं, जबकि कैरियर कुछ दूसरा होता है, कैरियर वो होता है साइकिल के पीछे का जो भाग होता है ना, वो कैरियर होता है, CARRIER, स्पेलिंग ध्यान से सुनना, CARRIER, वो कैरियर है, लेकिन जो हम करियर बनाते हैं ना, अपनी जीविका जो बनाते हैं, वो है करियर, कैरियर नहीं है, डैट इज़ करियर, और स्पेलिंग में अंतर है। फिर से एक बार बता देता हूँ,
CARRER इसे करियर बोलते हैं, और CARRIER वो है कैरियर, यानी कैरी मतलब ढोना और कैरियर यानी ढोने वाला। जैसे कि ट्रक पर आप लिखा हुआ देखते हो ना गुड्स कैरियर, तो वहाँ गुड्स का मतलब है कच्चा माल और कैरियर यानी ढोकर ले जाने वाला। ओके, तो वो कैरियर होता है। अगर जीविका वाला आप बोलना चाहते हो कि मैं इस क्षेत्र में अपना कैरियर यानी अपनी करियर बनाना चाहता हूँ, तो वो कैरियर नहीं है आपकी, वो करियर है, करियर यानी करियर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, वो छोटे बच्चे तक भी उस वर्ड को जानते हैं, वो वर्ड है हमारा ONION। क्या बोलते हो? ओनियन। बिल्कुल गलत, ओनियन नहीं होता वो, वो होता है अनियन, वहाँ ओ से अ होता है, ओनियन नहीं, वो है अनियन। तो याद रहेगा ना, ONION को हम अनियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CUCUMBER, ये भी काफ़ी कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस वर्ड को। इसे क्या बोलते हो आप लोग? या तो ककम्बर बोलते हो या कुकुम्बर बोलते हो, ये दोनों ही गलत बोलते हो आप लोग। ककम्बर भी गलत, कुकुम्बर भी गलत, ये है क्यूकम्बर, ये है क्यूकम्बर। तो याद रहे, ककम्बर या कुकुम्बर नहीं है, ये है क्यूकम्बर। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वो है हमारा CUPON, बहुत ही कॉमन, 99% लोगों के द्वारा गलत बोला जाने वाला वर्ड है ये CUPON। इसे नॉर्मली क्या लोग बोलते हैं? कूपन, जबकि ये कूपन नहीं है, यहाँ प के ऊपर आपको हल्का सा औ की मात्रा देना होगा, कूपन, डेट इज़ कूपन। और आप लोग बहुत सारे वर्ड्स जो मैं बताता हूँ आप लोग कई किताबों में देखते हो जो कि थोड़ा सा अलग लिखा हुआ रहता है, तो मैं आपको बता दूँ भाई मेरे कि एडवांस लेवल पर जब आप प्रोनंसिएशन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट हो ही जाएगा। आप जूनियर लेवल की किताबें पढ़ते हो या जूनियर लेवल के प्रोनंसिएशन वाली किताबें आप पढ़ते हो, सो आपको ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये सर क्या बता रहे हैं, और किताब में हमने इस तरीके से नहीं देखा था, हमने तो कुछ और देखा था। तो भाई मेरे, आप जब एडवांस लेवल की किताबें पढ़ोगे, एडवांस लेवल की प्रोनंसिएशन पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो उसे हम कूपन नहीं कहते, उसे कूपन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CHEMISTRY, क्या बोलते हो आप? केमिस्ट्री। बिल्कुल गलत बोलते हो, डैट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी वो के की मात्रा है, क की मात्रा नहीं है, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि अक्सर मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोनंसिएशन हाई लेवल तक पहुँचे, है ना, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप सबों के लिए। बस आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे मेरे साथ बने रहो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को और किस तरह की वीडियोज की आवश्यकता है, किस तरह की वीडियो अगर आप लोग मतलब किस तरह की वीडियोज और भी आप लोगों को चाहिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि मैं आपके कमेंट को ज़रूर पूरा करूंगा, और आपके कमेंट पर दिए गए जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उनका आंसर देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको कहना चाहूंगा बाय बाय, टेक केयर एंड अटेंशन टू योर स्टडी केयरफुली।